नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनोज पे। IRFC, RVNL ये दोनों ही शेयर इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और उसके बाद RVNL में थोड़ा बहुत गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है और IRFC जो शेयर है इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट बनता हुआ देखने को मिला था। तो IRFC अभी यहाँ से फिर से एक बार तेज़ी बना रहा है। तो क्या इस स्टॉक में अभी मतलब क्या चल रहा है, ये शेयर यहाँ से कितना तेज़ी बना सकता है, RVNL कितना तेज़ी बना सकता है? तो बहुत सारे अपडेट्स हैं RVNL और IRFC को लेके, हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कृपया भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते स्टॉक की बातें। दोस्तों यहाँ पे एक दिन के अंदर IRFC के शेयर में 2.3% के आसपास जो है तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर 1.9% के आसपास तेजी बनाया और एक महीने के अंदर 54.7% के आसपास जो है तेजी बनाया है। इसका आप देख सकते हैं IRFC का ड्यूरेबिलिटी जो है वो है 45/100 वैल्यूएशन, 35.30/100 मोमेंटम, 72.80/100। ये शेयर IRFC का इसका जो हाई प्राइस बनता हुआ देखने को मिल रहा है एक साल के अंदर वो है 92.35 पैसे का और लो प्राइस बनाया था 21.15 पैसे का। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये शेयर ने जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो अब बीच में क्या हुआ है, बीच में इस स्टॉक में जो है अगर देखेंगे मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने स्टॉक को खरीदा है, जैसे कि स्टॉक का प्राइस ज़्यादा कुछ नहीं था और उसके बाद स्टॉक में गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो है प्रॉफिट बुक करना उसमें चालू कर दिया था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है IRFC में प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया था, तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है और स्टॉक में अभी फिर से एक बार तेज़ी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे IRFC का दोस्तों बात करते हैं जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकली जो है ये शेयर देख सकते हैं बुलिश लेवल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहे के जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे, ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे, MACD इंडिकेटर कह रहे के जो शेयर है एक न्यूट्रल मतलब लेवल पे जो है फिलहाल अभी चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक दिन के अंदर IRFC का लो प्राइस देखते हैं तो जो लो प्राइस बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो है 74.60 पैसे का और जो हाई प्राइस बनाया है वो है 77.55 पैसे का। और यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर जो लो प्राइस बनाया है वो है 74.50 पैसे का और जो हाई प्राइस बनाया है वो है 78.70 पैसे का और एक महीने के अंदर जो लो प्राइस बनाया है वो है 49.60 पैसे का, हाई प्राइस बनता हुआ देखने को मिल रहा है 92.35 पैसे का। तो ये शेयर IRFC का मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग था वो हुआ है शायद से और अभी फिर से एक बार तेजी बना रहा है। BSE और NSE मिला के एक दिन का एवरेज देखते तो वही 43.2 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 28.8% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 12.4 मिलियन का है। एक हफ्ते के अंदर BSE और NSE मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 49.3 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 28.1% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 13.9 मिलियन का है। और एक महीने के अंदर BSE NSE मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 183 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 22.1% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 40.4 मिलियन का है। दोस्तों IRFC का शेयर बोल सकते कि बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनाया और स्टॉक में जो है अभी फिर से एक बार तेज़ी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि कोई अभी खरीदता है IRFC का शेयर तो थोड़ा सा हम यहाँ पे होल्ड करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर किसी ने थोड़ा ज़्यादा प्राइस में खरीद के रखा है तो लगता है कि थोड़ा सा हम यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। कहते दोस्तों RVNL के शेयर का, RVNL रेल विकास निगम, ये जो शेयर है रेल विकास निगम लिमिटेड, ये शेयर ने भी एक ज़बरदस्त तेजी मतलब दिया है इन्वेस्टर्स को, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। एक दिन के अंदर RVNL के शेयर में लगभग 2% के आसपास जो है तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर 1.6% के आसपास तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है और एक महीने के अंदर 32.6% के आसपास जो है तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी RVNL का शेयर जो है यहाँ पे देख सकते हैं इसको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है और मतलब गेटिंग एक्सपेंसिव ये शेयर का आप देख सकते हैं। तो जो ड्यूरेबिलिटी है इसका वो है 80/100 वैल्यूएशन, 43.80/100 मोमेंटम, 71/100। तो दोस्तों यहाँ पे इसका तेजी बनाया है वो है 199.25 पैसे का और लो प्राइस था एक साल का मतलब एक साल का जो लो प्राइस बनाया है वो है 33.90 पैसे का। तो RVNL के शेयर ने भी एक बोल सकते कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। टेक्निकली RVNL का शेयर जो है फिलहाल अभी
बुलिश लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं आरएसआई इंडिकेटर जो है, कह रहे कि ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे, मेगडी इंडिकेटर कह रहे कि ये जो शेयर है एक न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल अभी चल रहा है। एक दिन के अंदर का बात करते हैं आरवीएल के शेयर में जो लो प्राइस बनता हुआ दिखा है वो है 166.20 पैसे का, और जो बोल सकते कि एक मतलब जो हाई प्राइस बना है वो है 172 रुपीज़ का। एक हफ्ते के अंदर जो लो प्राइस बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो है 164.80 पैसे का, हाई प्राइस 170 रुपीज़ का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक महीने के अंदर जो इसमें लो प्राइस है वो है 120.10 पैसे का और हाई प्राइस है 199.30 पैसे का। तो दोस्तों यहाँ पे BSE और NSE मिला के जो एक दिन का एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 16.9 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 30.2% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 5.1 मिलियन का है। एक हफ्ते के अंदर 20.3 मिलियन का BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है और डिलीवरी परसेंटेज 26.5% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 5.4 मिलियन का है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो बोल सकते कि इसका जो मतलब एक महीने के अंदर जो इसका BSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 73.4 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 21.4% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 15.7 मिलियन का। बहुत ही बढ़िया शेयर है RBNL का भी, और इसने भी बोल सकते कि इन्वेस्टर्स को जो है बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है RBNL के शेयर ने भी मिल रहा है RBNL के शेयर में। तो यहाँ पे अगर देखते हैं मतलब 400% इसने रिटर्न दिया RBNL का, यहाँ पे देख सकते हैं 400% रिटर्न। दिस मल्टीपेकर रेलवे वैगन्स कंपनी बैक्स ए न्यू ऑर्डर ओर्थ रुपीज 197,000 के आसपास रिटर्न दिया है, और रेलवे वैगन्स कंपनी जो है बैक्स ए न्यू ऑर्डर जो कि इसको मिलने वाला है आप देख सकते हैं फ्रॉम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड से जो ये प्रोजेक्ट इनको मिलने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए समझते हैं क्या कहा जा रहा है। द कंपनी इमर्जेस एज द लोएस्ट बीडर फॉर एन ऑर्डर ओर्थ रुपीज यह है इंक्लूडिंग टैक्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। द ऑर्डर इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर एट द साउथ जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर रिफॉर्म्स बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। द ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड विद इन 24 months फ्रॉम द LOL। तो यहाँ पे अर्लियर द कंपनी एमर्ज द लोएस्ट बीडर फ्रॉम सेंट्रल रेलवे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 मतलब यहाँ पे जो 4 ऐसे टनल्स है उसमें उसके लिए भी जो है RVNL को एक प्रोजेक्ट मिला है। तो RVNL जो कि बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ पे देखेंगे मतलब एक नवरत्न कंपनी है इंडिया गवर्नमेंट का, और जिसने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी जो है शेयर में बनाया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फिलहाल RVNL को मिल रहा है। और ये भी जो प्रोजेक्ट का अपडेट है दोस्तों इसके चलते भी अगर देखेंगे तो कंपनी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो हमें लगता है कि RVNL का शेयर आगे चल के एक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, और अगर किसी ने स्टॉक में खरीदारी करके रखा है थोड़ा ज़्यादा प्राइस में तो हमें लगता है कि थोड़ा समय होल्ड करना चाहिए, और अगर कोई अगर यहाँ से भी खरीदारी करना चाहते तो हमें लगता है कि आगे चल के इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल FinnoEdge को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर